हेलो नाइक्यू पे आप लोगों का स्वागत है। आज नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर से लिए हैं सभी एग्जामिनर की। अब न्यू कॉन्सेप्ट ट्रिक के अनुसार देखते हैं अब एग्जामिनर कौन कौन कॉन्सेप्ट पूछता है। क्वेश्चन से देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है और पार्ट इसका 13 नंबर कॉन्सेप्ट तक, 13 नंबर कॉन्सेप्ट तक पहले वाला वीडियो में बनाए हैं। 14 नंबर कॉन्सेप्ट से यहाँ स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करके पहले बनाइए, उसके बाद मेरा सलूशन देखिएगा। तो यहाँ सभी पाँच को जोड़ते हैं तो 5 और 20, और यहाँ क्या हुआ, 20 और 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ 2, तो बीच में 2 लिखा हुआ है। उसी तरह यहाँ 4 चौक 4 को 4 है, 4 चौक 16, 16 1 और 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। यहाँ भी 7 दिया हुआ है। उसी तरह यहाँ 4 को 3 है, 3 चौके 12, 1 और 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। इस बीच में 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग बनाइए पहले। तो यहाँ देखते हैं, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, उसके बाद सबका स्क्वायर करके माइनस माइनस कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे। 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 जोड़ के घटा देंगे। 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 25 9 और यहाँ 4, ये स्क्वायर है। यहाँ सबको जोड़ेंगे तो 9 3 12 2 14, यहाँ -14 करेंगे। 9 3 12 2 14 यहाँ जोड़ेंगे तो 25 और 16 41 50, यानी यहाँ आ जाएगा 54। 54 में से 14 घटाएंगे तो 50, यहाँ 50। 54 में से 14 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा यहाँ पे, 40, और यहाँ बीच में 40 लिखा हुआ है। उसी तरह से इसको भी करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा। जैसे यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और यहाँ 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, सभी को ऐड करके स्क्वायर करके और उसके बाद सभी को घटा देंगे। 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9, तो यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ 5 14 और 6 14 और 6, यहाँ 5 14 6 20, यहाँ 14 और 6 20, 20 और 2 बाकी रह गया, 8 6 14 14 18, 2 20 और यहाँ 23, यानी 230 आ जाएगा। और 230 में से ये सब घटा देंगे, 9 6 15 15 15 30, तो इस जगह पे 230 में से 30 घटाएंगे तो 200 आ जाएगा इसका आंसर। इस बीच में 200 लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले सभी का स्क्वायर करके जोड़ के और फिर उसी को घटा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे 3 4 5 को 6 बनाना है, तो 4 × 5 × 3 और बट्टे 10 कर देंगे तो यहाँ से 60, 10 करेंगे 0 0 कट जाएगा, यहाँ से 6, इस जगह पे 6 आ रहा है। उसी तरह इसको भी कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे यहाँ 5 × 6 × 4 और बट्टे 10, 6 × 5 = 30, 120 में 10 से भाग देंगे तो यहाँ 12, यहाँ भी उसी तरह कर देंगे तो 5 × 2 × 7 = 10, 70/10, 0 0 काट देंगे, यहाँ 7 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है
अब यही एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे 17 नंबर है, तो यहाँ 7 और 5 को, इसमें एक न्यू कंसेप्ट है, 7 और 5 को ऐड कर देंगे। 7 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 को ऐड करके ऊपर वाला 3 से भाग दे देंगे, यहाँ 12/3, 12/3 इसको काट देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और उसके बाद 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी 6 और 9 को ऐड करेंगे, 6 और 9 को ऐड करेंगे तो 15, और 15 में 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ 5, और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25, यहाँ भी 25 आया हुआ है। उसी तरह यहाँ दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15, और 5 से भाग दे देंगे ऊपर वाला से तो यहाँ कट जाएगा 3 बार में, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो इस जगह पे 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भले आप लोग बनाइए, 18 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें कौन कॉन्सेप्ट लगेगा। उसके बाद जैसे यहाँ 23 का स्क्वायर 529 होता है, और 10/24, इसी 23 को उल्टा कर देंगे 32, और 32 का स्क्वायर 10/24 होता है। ये भी एक न्यू कॉन्सेप्ट है। जैसे 21 का स्क्वायर 441, और इसको उलट देंगे तो 12 का स्क्वायर 144 लिखा हुआ है। उसी तरह यहाँ भी 3rd नंबर में भी लगा देंगे, 19 का स्क्वायर 361 दिया हुआ है, और 19 को उलट देंगे तो 91 का स्क्वायर हो जाएगा 8281। 91 का स्क्वायर 8281, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ जीरो जीरो सामने सामने डिफरेंस ले लेंगे, और बीच में जीरो आना चाहिए, जैसे इस जीरो को और इस जीरो को, 0-0=0 डिफरेंस ले लें। ये सामने से ये सामने घटा देंगे, 2-2=0। उसी तरह 1 को -1 से घटा देंगे, 1-1=0। उसी तरह -1 लिखा हुआ है, इसमें +1 करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, मध्य वाला संख्या आना चाहिए। तो वाट के स्थान पे +1, यहाँ +1 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर। तो यहाँ 25 25, 100 100 और 6 लाना है, उतना बड़ा संख्या से 6 लाना है, इतनी छोटी संख्या, और सभी हम देख रहे हैं किसी का ना किसी, सभी किसी का वर्ग है। जैसे रूट अंडर अगर 100 करेंगे तो यहाँ से रूट अंडर 100 प्लस रूट अंडर 100 और रूट अंडर 25 प्लस रूट अंडर 25, यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, और यहाँ से 5, और यहाँ से 5, सभी को जोड़ देंगे तो 30, और यहाँ 6 है, अगर इसमें 5 से भाग दे देते हैं तो 6 आ जाएगा, तो बीच में 6 लिखा हुआ है। उसी तरह इसको भी करेंगे तो आ जाएगा 5,
इसको अब देख लेते हैं। जैसे यहाँ 36, 36 करोड़ से बाहर निकालेंगे, 6, 49 को निकालेंगे, 7 और 9 को निकालेंगे तो 3 और 16 में से 16 को निकालेंगे 4 आ जाएगा, और बट्टे 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग देंगे, जोड़ेंगे तो इसको 4 × 3 = 7, 2 × 9 = 14, 6 = 20, और 20 में 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, इस जगह पे 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर पहले आप लोग बनाइए, उसके बाद सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग बनाइएगा, तब मेरा सोल्यूशन देखिएगा, तभी कुछ सीखिएगा। जैसे यहाँ पे बीच में 14 है, और यहाँ भी हम देख रहे हैं सभी किसी ना किसी का वर्ग है। यहाँ 4, 4 2 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, और 16 4 का वर्ग है, और सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ 14 आ जाएगा बीच वाला। उसी तरह यहाँ भी बीच वाला लाना है, तो यहाँ भी सभी किसी ना किसी का वर्ग, जैसे 1 1 का वर्ग 1 ही होता है, और 36 भी 6 का स्क्वायर है, और 49 7 का स्क्वायर है, और 9 3 का स्क्वायर है, सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ से 17 आ जाएगा, 7 × 3 = 10, 7 = 17, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 29 दिया हुआ है, तो यहाँ हम यहाँ साफ साफ देख रहे हैं कि 5 और 3 को गुना कर देंगे, 3 × 5 प्लस, और ये 2 और 7 को गुना कर देंगे, 2 और 7 को गुना करेंगे 2 × 7, तो यहाँ से 15 + 7 = 14, यहाँ से 29 आ जाएगा, इस जगह से 29 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी 6 × 24, यहाँ भी 24 + 3 और 5 को गुना कर देंगे तो 15, यहाँ भी 39 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी 3 7 को पहले गुना कर देंगे, 7 × 21, उसके बाद प्लस 6 और 5 को गुना करेंगे, 6 × 5 = 30, दोनों को जोड़ देंगे तो 51 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 51, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पहले आप लोग बनाइए, यहाँ भी हम देख रहे हैं सामने 3 × 8 और उसके बाद 2 लाना है, और यहाँ 6 × 12, 2 है ना, हाँ 6 × 2 कर देंगे तो यहाँ 24 / 12, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी 8 और 3 को सामने सामने 8 और 3 को गुना कर देंगे तो 24 और 6 = 24 काटेंगे 1 आ जाएगा। अब ये देख लेते हैं, हमने सामने गुना करेंगे 8 और 12 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 × 8 = 96 और 6 × 24, इसको काट देंगे तो 96 को 24 बार में काटेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा पेन चलने में प्रॉब्लम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ बीच में 2 दिया हुआ है और 1, 2, 3, 4 बीच वाला नंबर को लाना है, 4 × 8 = 3 × 3 और 3 × 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा। जैसे यहाँ से 2 और 4 को गुना कर देंगे, 2 × 4 2 × 4
उसके बाद माइनस 3 × 1 और बाहर में 2 से गुना कर देंगे पूरे में, तो यहाँ 8 − 6 = 2 आ रहा है। उसी तरह इसको भी 7 × 5 = 35, 5 और 7 को गुना करेंगे तो 35 − 4 × 2 आमने सामने 4 × 2 और बाद में फिर 2 से गुना, 35 में से 4 × 8 × 16, 35 में से 16 चल जाएगा तो 19, बीच में 19 दिया हुआ है। उसी तरह आमने सामने इसको भी गुना कर देंगे, 4 और 5 को गुना कर देंगे तो 20 आ जाएगा, फिर माइनस 10 और 8 को गुना कर देंगे तो 80 आ जाएगा। पहले इसको और इसको गुना करना है 80, और उसके बाद 5 और 4 को गुना करके और 2 से गुना कर देंगे, 5 × 20 और 20 में 2 से गुना कर देंगे तो 80 में से 40 जाएगा तो 40 बच जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन है, सभी को गुना करके और 10 से भाग दे देंगे। देखते हैं सभी को गुना करके 10 से भाग, यानी 2 × 5 × 3 × 4 और 10 से इसमें भाग दे देंगे तो 12 आता है, 5 × 10 या 30 × 4 = 120, 10 से भाग दे देंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाइड हो रहा है। इस जगह से लास्ट वाला में यहाँ देखते हैं, 3 × 2 × 6 × 5 और 10 से भाग देने हैं तो यहाँ 6 × 5 = 30 और 30 × 60, 60 × 180, 10 से भाग दे देंगे 0 0 कट जाएगा तो यहाँ 18 आ जाएगा। तब ये बीच वाला देखते हैं, यहाँ सभी को गुना कर देंगे तो 8 × 16, 16 × 32, 16 × यहाँ 32 और 32 को 5 से गुना कर देंगे, 32 को 5 से गुना करेंगे और बट्टे 10 से भाग देंगे, 5 × 10 और यहाँ 16, तो यहाँ 16 आ जाएगा, इसका आंसर 16 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, यहाँ भी हम देख रहे हैं सभी किसी का स्क्वायर है, सभी 25 भी 64 भी 36 भी और 49 भी, तो सभी को स्क्वायर से बाहर रूट से बाहर निकाल लेते हैं, √25 + √49 + √64 + √36, यहाँ से 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, 7 × 5 = 12 + 8 = 20 + 26, इस जगह पे 26 आ रहा है, यहाँ भी उसी तरह आ जाएगा, 3 × 5 = 8 + 8 = 4 = 12 + 9 = 21, यहाँ भी 21 आ रहा है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ यानी यहाँ 6 + 8 = 64 का रूट से निकालेंगे, 25 को रूट से निकालेंगे 5 और रूट इसको हम x मान लेते हैं और बराबर में 31 दे देते हैं, तो यहाँ 814 × 14 = 19, √x = 19, 19 में से 31 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 और इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ x = 144 आ जाएगा, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो x = 44
इस जगह पे 144 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट भी मस्त है, पहले आप लोग बनाइए उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। जैसे यहाँ 35, 35 में से 5 घटा देंगे, एक मिनट पेन अच्छा से नहीं चल रहा। जैसे यहाँ ये 5 और ये 35 है, 35 में से 5 घटा देंगे, उसके बाद माइनस, और 18 में से 3 घटा कर फिर घटा देंगे, तो यहाँ 30, और 30 में से 18 में से 5 गए 3 गए तो 15, तो यहाँ 15 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी करेंगे, 42 में से 7 घटा देंगे तो 42 में से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 35 आ जाएगा, और 32 में से 4 घटा देंगे तो 28, बीच में 7 लिखा हुआ है, यहाँ भी वैल्यू सेटिस्फाइड हो रहा है, यहाँ भी 15 आ गए। उसी तरह यहाँ 34 में से 40, इस 40 में से ये 5 घटा देंगे तो 35, और 34 में से 6 घटा देंगे तो इस जगह पे आ जाएगा 28, 28 तो यहाँ 7, बीच में 7 आंसर आ जाएगा। दोस्त वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, और इसी तरह से न्यू कॉन्सेप्ट लाएंगे जो एग्ज़ाम में हाल फिलहाल में पूछा जाता है।